तो हुआ। और भाई जाओ मस्जिद। अजीम भाई बने हैं फ्रूट ब्लॉगर आज। बेइज्जती होगी गाइस, अपन को नहीं करा उन्होंने कुछ ऑफर। दिस इज हाउ शाहिल टुकड़ा लुक्स लाइक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस, दिस इज योर बॉय अजीम खान। और रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है, आज मैं जा रहा हूँ जामा मस्जिद। जामा मस्जिद में पहला रोजा आज मैं वहाँ इफ्तार करने वाला हूँ, वहाँ रोजा खोलेंगे। और जो जो जामा मस्जिद के लिए एसेंशियल है वो मैं आपको सब डिटेल्स बता दूंगा, अच्छे से घुमा दूंगा। आप ये वीडियो देख के सीधे जामा मस्जिद जा सकते हैं, आपको कुछ और प्रॉब्लम की जरूरत पड़ेगी नहीं। कैसे मेट्रो स्टेशन का कैसे क्या करना है, खाने में कहाँ जाना है और क्या करना है सब आपको बता दूंगा बढ़िया से, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बाकी चलते हैं अभी। लोग जैसे ही जामा मस्जिद में उतरे खजूर से शुरुआत कर दी गई है हमारी। और ये है आज का खूबसूरत नजारा जामा मस्जिद। तैयारी कर रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं यहाँ से। खाने का रोजा है। फाइनली हम पहुंच गए जामा मस्जिद। अलग ही माहौल हो रखा है इधर पे यार, काफी बहुत रौनक चारों तरफ। बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं, बहुत सारे रोजा खोलने वाले भी आए हैं। गाइस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सब कुछ यार, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। एवरीथिंग अराउंड इज ब्यूटीफुल राइट नाउ। बस जा रहा हूँ जल्दी से वजू बनाऊंगा। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है यार इधर पे, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई तो पटाखा बोल गया इधर पे बहुत तेज कुछ हुआ। और भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या था? दोस्तों घबराने की बात नहीं है, ये एक ऐलान करने का तरीका था कि अफ्तार कर लीजिए। अच्छा दोस्तों, हमने रोज़ा खोल लिया है, हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, मगरिब की नमाज़ होगी इस टाइम। हम जल्दी से जाते हैं फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों हमने नमाज़ पढ़ ली है और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो दोस्तों ये था जामा मस्जिद की कुछ तस्वीरें। अब हम आपको ले चल रहे हैं कुछ खाने पीने घुमाने, और जिसमें मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ वो आपको घुमा के लाऊंगा। और आपको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, ये वीडियो उठाओ देखो अपने रिश्तेदारों को भेजो और सीधे पहुंच जाओ जामा मस्जिद में खाने पीने। चलो चलते हैं। चले भाई तैयार खाने पीने को। पता नहीं भाई क्या रिकॉर्ड है भाई, जब से दिल्ली आया हूँ 3 ब्लॉग बना चुका हूँ, तीसरा ब्लॉग है। और ये पता नहीं हर बार बारिश क्यों हो जाती है यार मेरे ब्लॉग वाले दिन। भाई बहुत तेज बारिश हो गई है, मतलब बहुत स्टार्ट हो गई है, हम लोग भाग रहे हैं, अब कहीं को जाएंगे जल्दी से। जामा मस्जिद के जस्ट सामने है सारी खाने पीने वाली गली, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वाली गली में आना है, बस रौनक से आपको पता चल जाएगा। ये वन ऑफ माय फेवरेट्स, दिस इज अल जवाहर। यहाँ पर मैं मोस्टली नॉर्थ इंडियन मेन कोर्स खाता हूँ। और इसके जस्ट बगल में जो रास्ता गई है वो है करीम, विच इज ओवर रेटेड। मैं एक ही दो बार गया हूँ, मैं हमेशा मैं अल जवाहर ही जाता हूँ। आज देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों आ गए अब हम अल जवाहर रेस्टोरेंट, जिसका मैंने बताया था आपको ये मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा यहीं से खाता हूँ। तो दोस्तों हमने ऑर्डर किया है, क्या किया था ऑर्डर दोस्तों, हमने ऑर्डर किया था चिकन कोरमा। ये है चिकन कोरमा विद फ्लोस, डिलीशियस। इसके साथ है नान जो कि बहुत ही फ्लफी है, हमारे यहाँ भी नान मिलती है पर इतनी फ्लफी नहीं होती है, तो बहुत अच्छी लग रही है। और ये है चिकन ड्राई चिकन, तो दिस ऑल्सो लुक्स गुड। बाकी अभी आप खाएंगे और आपको टेस्ट करके बताएंगे। ओके गाइस, सो दिस इज हाउ माय प्लेट लुक्स लाइक। मैंने निकाला है कोरमा, चिकन कोरमा और नान। यार मुझे नान यहाँ की बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी फ्लफी होती है। हमारे यहाँ भी नान मिलती है पर ये ऐसी नान नहीं मिलती यार, मुझे तो मतलब बिना ग्रेवी में लगाए भी नान को खाया जा सकता है, इतनी स्वादिष्ट लगती है तो देखने में। अजीम भाई बने हैं फ्रूट ब्लॉगर आज। तो भाई हम तीन इंसान थैलों में खा के अपनी सवारी को ले जा रहे हैं आगे। अभी तो यहाँ तो पेट भर गया है काफ़ी ज़्यादा, वीडियो में भी दिख रहा है। जा रहे हैं आगे, देखते हैं कहाँ जाना है। भाई क्या है कि हमारी पुरानी आदत है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ दोस्ती कर लेते हैं, हमने दोस्त बना लिया है। कैसे हैं आप, सही बताओ, क्यों आपसे पूछ रहे हैं हम।
आ जाओ दिल्ली घूम लिया, अब झांसी घूम जाओ थोड़ा। अरे झांसी के नाम से भाग गए हो। तो एक राज की बात बताता हूँ, ये वाली दुकान है ना जो आप इनके सामने से निकलोगे कि आपको हमेशा कुछ ना कोई स्नैक ऑफर करेंगे, जैसे कि ये वाली दुकान है, पर बेइज्जती होगी गाइस, अपन को नहीं करा उन्होंने कुछ ऑफर। A few moments later. आओ जी भाई साहब, आ जाओ शेरमाल टेस्ट करो भाई, आ जाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया था शेरमाल पे आ जाओ भाई। जो ये दुकान है ना, हाजी मोहम्मद हुसैन यंकल ऐसे इस पोजीशन में बैठे हैं, यहाँ पे चिकन फ्राई करते हैं, और इनकी आप सालों पुरानी यूट्यूब वीडियो भी देख लोगे ना, या यूट्यूब पे या गूगल पे भी सर्च कर लोगे इनकी दुकान का नाम, तो ये एग्जैक्ट यही पोजीशन में बैठे मिलेंगे आपको। मैं इनको सालों से देख रहा हूँ यहीं पे, और इनफैक्ट पुरानी जब वीडियोस में एक्सप्लोर करता था ना, तब भी अंकल दिखते थे तो ऐसे ही बैठे रहते थे एग्जैक्ट यही पोजीशन में। हाँ, तो दोस्तों मेरी और एक और फेवरेट शॉप है यहाँ पर खाने के लिए, वो है असलम चिकन। उनकी नई वाली दुकान खुल गई है, नई बिल्डिंग है यहाँ पर असलम चिकन के नाम से, ये राइट साइड में पड़ेगी आप जिस गली से आओगे, और काफी बड़ी बिल्डिंग है अगेन, और इनकी मेन जो ब्रांच है वो आगे है बहुत दूर उधर पे, और इतनी भीड़ होती थी वहाँ पे कि बिल्कुल भी जगह नहीं होती किसी चीज़ की। अभी फिलहाल इन्होंने नई ब्रांच खोली है, मैं पेट तो बहुत भर गया हमारा, तो हमारा प्लान नहीं है अंदर जाने का। अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो हर दुकान का जहाँ पर शाही टुकड़ा मिला होगा ना, हर दुकान का नाम कूल पॉइंट ही है, पता नहीं क्यों, क्या लॉजिक है। तो गाइस दिस इज हाउ शाही टुकड़ा लुक्स लाइक। भाई किस चीज़ से बनता है इसमें? भाई तो ये ऊपर की मलाई जो है, ये जो ऊपर का वाइट एरिया है, ये मलाई और रबड़ी है, ये है ब्राउन ब्रेड, और ये है देसी घी, और वो है साथ में रबड़ी। इतने सारे कूल पॉइंट्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे, पर मैं हमेशा इसी वाले पे आता हूँ। तो आपको एग्जिट करना है जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 से, और यहाँ से आने के बाद राइट। ओके गाइस, तो हमारा अलविदा कहने का समय आ चुका है, हम आ गए मेट्रो स्टेशन, अपने अपने घर जाएंगे। ये दोनों जा रहे हैं राट गबड़ू, और गाइस हमारे साथ राट सब्सक्राइब कर दो, मैं लेके चलूंगा। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन सही दे दी होगी मैंने। हम इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ अभी नोएडा, चला जाऊंगा फिर झांसी एक दो दिन में। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू, बाय बाय।